हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित भंडारा जिला के बारे में, कुछ खूबसूरत बातें व पर्यटक स्थल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। भंडारा जिला महाराष्ट्र राज्य में स्थित बेहद ही एक खूबसूरत जिला है, जो जाना जाता है अपने तालाबों, पीतल शहर, सुगंधित चावल की किस्मों और खनिज संपदा और प्राचीन किले से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वेन गंगा नदी के किनारे बसा भंडारा जिला अपने नागपुर संभाग के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय भंडारा में ही स्थित है। भंडारा जिला पूरी तरह अपने पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है, जैसे उत्तर में मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, पूर्व में गोंदिया जिला, दक्षिण पूर्व में गढ़चिरौली जिला, दक्षिण में चंद्रपुर जिला और पश्चिम में नागपुर जिला से घिरा हुआ है। जिले का जनसंख्या घनत्व 320 किलोमीटर वर्ग में है। 3717 किलोमीटर वर्ग में फैले हुए भंडारा जिले की जनसंख्या किया साल 2011 के जनगणना के अनुसार 12 लाख से भी अधिक थी, जिसमें से 6,05,000 पुरुष और 5,94,000 महिलाएं मौजूद है। जिले का साक्षरता दर 83.76% है। भंडारा जिले का लिंगा अनुपात 983 है, यानी 1,000 पुरुषों प्रति 983 महिलाएं मौजूद है। भंडारा जिले में कुल 7 तालुकों में बांटा गया है, जिनमें भंडारा, तुमसर, पौनी, मोहाड़ी, साकोली, लाखनी और लाखनदूर है और 2 उपमंडल, 3 विधानसभा क्षेत्र है, जो कि भंडारा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस शहर के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि जिले का नाम भंडारा शब्द से लिया गया है। ये शहर पहले लांजी के सामंती वंश ने 1818 से 1830 तक इस क्षेत्र पर शासन किया और 1821 में भंडारा जिले का गठन किया गया। वर्तमान में भंडारा जिले को 1 मई 1999 को विभाजित किया गया था और एक नया जिला गोंदिया बनाया गया था। इस प्रकार से गोंदिया और भंडारा जिला अस्तित्व में आया। यहाँ कई प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्मारकों, झीलों एवं पार्कों और अभयारण्य के साथ भंडारा कई पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी पर्यटक स्थल है जिनके बिना भंडारा जिले का भ्रमण अधूरा है। अम्बागढ़ किला। मध्यकाल का यह किला तुमसर से लगभग 13 किलोमीटर दूर भंडारा जिले के तुमसर तालुके में स्थित है। इसका निर्माण सूबेदार राजा खान पठान ने वक्त बुलंद शाह के शासक 1700 ईस्वी के आसपास करवाया था। बाद में यह नागपुर के राघोजी भोसले के कब्जे में आ गया, जिन्होंने इसे बंदियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया। बाद में इसे अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। कोरम्बी मंदिर। कोरम्बी मंदिर भंडारा जिले में स्थित बेहद ही एक खूबसूरत मंदिर है। यह मंदिर कोरम्बी के पहाड़ी पर स्थित है। कोरम्बी देवी हिंदुओं के बीच एक पवित्र स्थान है, जो काफी लोकप्रिय स्थान है। पौनी किला। भंडारा जिले के पौनी तालुके में स्थित पौनी किला भंडारा से 47 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित बेहद ही एक खूबसूरत स्थान है, जो देखने योग्य बना हुआ है। कोका वन्य जीव अभयारण्य। कोका वन्य जीव अभयारण्य को 2013 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में मान्यता दी गई थी। कोका वन्य जीव अभयारण्य का क्षेत्रफल 92 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो पर्यटकों के लिए काफ़ी खूबसूरत स्थान है।